एक औरत मर्द से क्या चाहती है। पुरकशिश रहने की ख्वाहिश एक बीवी के लिए ये बात बहुत अहम होती है कि इसके शोहर की नज़र में वो खूबसूरत और पुरकशिश हो, वह कितने ही मोटे बुद्धि और सानवी क्यों न हो। आपने भी गौर किया होगा कि बीवियाँ आए दिन अपने शोहरों से सवाल करती है, मैं कैसी लग रही हूँ। इस सवाल के पीछे असल में उनकी ही नफ्सियात काम कर रही होती है कि उनके शोहर अब भी उनमें दिलचस्पी रखते हैं या नहीं। इस किस्म के सवालों के मुस्बत और पुरमोहब्बत जवाब दीजिए और उसे अपने मोहब्बत का यकीन दिलाते रहे तो आपके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए पहले से ज़्यादा मुस्तैद रहेगी। जिस्मानी से ज़्यादा जज्बाती लगाव मर्दों और औरतों में एक बड़ा नाजुक और अहम फ़र्क ये होता है कि मर्द अपने बीवी से इज़दवाजी लगाव का ज़्यादा ख्वाहिशमंद होता है, जबकि औरत को अपने मर्द से जज्बाती और कल्बी लगाव की ज़रूरत होती है। ये नाजुक फ़र्क मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी का बाइस भी बन जाता है। जो मर्द अपने बीवी से कम कम बोलते हैं, उनकी बातों पर तवज्जो नहीं देते, उन्हें इस बात पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए कि उनकी बीवियाँ उनकी आवाज़ सुनने के लिए बेताब रहती है। हत्ता कि अगर दफ्तर से उनके शौहर का फ़ोन आ जाए और उन्हें एक जुमला ही सुनने को मिल जाए तो घंटों शौहर की आवाज़ उनके कानों में रस घोलती रहती है। शोहरों को चाहिए कि घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आते वक्त चंद जुमले दिल लगी और चाहत के अंदाज में ज़रूर करें ताकि वो आपके अदम मौजूदगी में आपकी बातों को सोचकर खुश और खुर्रम रहे। घरेलू अशिया के तोहफा यकीनन मोहब्बत बढ़ाता है और उल्फत पैदा करता है और मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक में तो उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। लेकिन तोहफे का इंतखाब असल चीज़ है। मर्द अपने बीवियों को कोई घरेलू शे तोहफे में दे तो उससे बीवी को ख़ास दिलचस्पी नहीं होती। बीवी अपने शोहर से ऐसा तोहफा चाहती है जिससे ये इजहार हो कि शोहर ने बीवी की ख्वाहिश का एहतराम किया। यकीनन ऐसा तोहफा फाकर